Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada. I am joined by a very distinguished personality from India, Justice Markande Kaju, who has served with Indian Supreme Court. Not only this, he has been a Chief Justice of the High Courts of Allahabad, Delhi, and also served as the Chairman Press Trust of India. He's a very distinguished personality and is a very household name in Pakistan now for the past several months. He has an extraordinary interest in Pakistani politics. He's liked by many, despised by some. A very warm welcome to you, Justice Markande. Thank you. Justice Markande, main aapka piece mere haath mein hai, jo aapne recently likha, jiska unwaan hai on Dr. Parvez Hoodbhai, Superficial Understanding. Aur isme aapne likha ke Dr. Parvez Hoodbhai ne jo kitab likhi hai, Pakistan Origins, Identity and Future, आप समझते हैं कि उसमें कोई डेप्थ नहीं है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ज है प्रोफेसर परवेज हुदबाई के ऊपर, क्यों आप समझते हैं कि कोई डेप्थ नहीं है उस बुक में? देखिए, इसको मुझे आपको समझाना होगा, जो कि मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है, मगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट वी हैव टू गो इन टू सम डेप्थ, एंड टू गो इन टू डेप्थ यू मस्ट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स. देखिए, आपको समझना है कि ये दुनिया वाकई में दो दुनिया है, ये एक दुनिया नहीं है. एक तो दुनिया है डेवलप कंट्रीज की, जैसे जहां आप रह रहे हैं, यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान एक्सेट्रा, एंड द अदर इज द वर्ल्ड ऑफ द अंडर डेवलप कंट्रीज. और जो डेवलप कंट्रीज हैं, इनमें सीक्रेट अनरिटन रूल है, ये कभी बोलेंगे नहीं, बट इट्स एन अनरिटन वेरी स्ट्रॉन्ग रूल कि अंडर डेवलप कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप कंट्रीज. और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है समझने. उसका रीज़न ये है कि देखिए, नाउ आई एम गोइंग इन टू इकोनॉमिक्स, कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग चंक ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ लेबर इज लेस, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस, यू कैन सेल योर गुड्स एट अ चीपर प्राइस एंड अंडर सेल योर बिजनेस राइवल. There's competition in the market. One businessman eliminates another businessman, not with bombs or guns or tanks, but by underselling him, which means selling the same high quality goods at a cheaper price. Now, to give you an example, China mein revolution hua 1945. Justice Markande, agar aap dekhte hain ki America ki madad se South Korea bahut ameer ho gaya, abhi American yahi keh के साथ कर रहे हैं, इंडिया को बिजनेस दे रहे हैं, एप्पल की फैक्ट्रियां लग रही हैं, टेस्ला की फैक्ट्रियां लग रही हैं. अभी आप देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जब यहां आए वाशिंगटन दो दिन पहले, तो कितने अमेरिकन सीईओज हैं, गूगल हो या एप्पल हो या टेस्ला हो या अमेजोन हो, सबने ही उनसे मुलाकात की है. और हिंदुस्तान की डायस्पोरा भी बहुत अमीर है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रही है, तो आपको थीसिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आता है. देखिए, ये पहली चीज समझिए, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये सब जो एग्जाम्पल देते हैं, दीज आर वेरी टाइनी कंट्रीज. प्लीज डोंट गिव दीज एग्जाम्पल्स. द एग्जाम्पल, द बिग कंट्रीज आर चाइना, इंडिया एक्सेट्रा. इनकी बात करिए, आप फिजूल की बातें कर रहे हैं. देखिए, पहले आई वॉज अबाउट टू कम्प्लीट वॉट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन यू इंटरप्टेड, प्लीज लिसन टू मी नाउ. देखिए, चाइना में एक रेवोल्यूशन हुआ 1949 में. उसके पहले चाइना वॉज अ वेरी पुअर, वेरी बैकवर्ड कंट्री. 95% चाइनीज वर वेरी वेरी पुअर, पेजेंट से, गरीब किसान. आफ्टर 1949 द चाइनीज सेट अप अ मैसिव इंडस्ट्रियल बेस इन चाइना. नाउ दैट मैसिव इंडस्ट्रियल बेस कपल्ड विद द चीप लेबर अवेलेबल इन चाइना एनेबल्स द चाइनीज टू अंडरसेल द होल वर्ल्ड इन कंज्यूमर गुड्स एंड सम अदर गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू योर सुपर मार्केट्स इन अमेरिका, यू विल फाइंड दे आर पैक्ड विद चाइनीज गुड्स, बिकॉज द चाइनीज विल सेल द सेम हाई क्वालिटी गुड्स विच एन अमेरिकन मैन्युफैक्चरर कैन सेल, बट एट हाफ द प्राइस, बिकॉज द चाइनीज लेबर इज चीप, वेस्टर्न लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव. अब देखिए, अगर ये इंडिया, हमारा इंडियन, हम इंडिया को मैं इंक्लूड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भी एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बन जाए, तो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज विल कोलैप्स. हाउ विल दे फेस आर कॉम्पिटिशन, बिकॉज इनफैक्ट आर लेबर इज इवन चीपर देन चाइनीज लेबर. देखिए, प्रोफेसर भूपाल के आर्गूमेंट से कैसे ताल्लुक है सारी चीज का? मैं बता रहा हूँ कि जब देखिए, पूरा खेल है कि underdeveloped countries, particularly India, should not be allowed to become a developed country. और कैसे रोका जाए? रोकने का तरीका, लड़वाओ हिंदू मुसलमानों को. ये जो बंटवारा, पार्टीशन हुआ,
पूरा खेल था कि यूनाइटेड इंडिया शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट लाइक अनदर चाइना. कैसे? क्योंकि देखिए द वेस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज विल फाइट टूथ एंड नेल अगेंस्ट इंडिया बिकमिंग अ हाईली मॉडर्नाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बिकॉज देन दे वोंट बी एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन. तो कैसे रोका जाए? रोकने का तरीका, लड़वाओ हिंदू मुसलमानों को, कास्ट के बेसिस पे लड़वाओ, रीजन अभी जो मणिपुर में हो रहा है रीजन के बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे लड़वाओ. पूरा खेल ये है सब डेवलप कंट्रीज का कि ये जो खित्ता है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मस्ट नॉट बिकम अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज एंड मॉडर्नाइज. इन 20 ईयर वी कैन बिकम लाइक यूएसए, वी गॉट अ टेक्निकल टैलेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कोई दिक्कत नहीं. जस्टिस मार्कंडे, अभी तो बस सॉरी जस्टिस मार्कंडे, इस वक्त तो मेन थ्योरी इंडिया को डेवलप करो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो, चीन के मुकाबले में खड़ा कर दो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, ट्रेड डेवलप करो. ये तो आप पुरानी 19वीं 20वीं सदी है नहीं. देखिए आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे. प्लीज अगेन आई हैव टू रिपीट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए. देखिए पूरा खेल है कि दिस रीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बिकॉज देन विद आवर चीप लेबर we will undersell the goods of the western countries and the western industries will collapse. Millions of Americans and Europeans will be thrown out of employment because they won't be able to face our competition. To kaise roka jaye? Rokne ka tarika Indians ko ladwao, Hindu Muslim ladwao, batwara partition ka yahi khel tha. Whole game is ki this united India should not emerge as a modern industrial giant of which it has all the potential. Dekhiye we are on the verge of breaking through into the ranks of the developed countries because we have thousands of very bright engineers both in India and Pakistan. We have got huge natural resources. We can within 20 years transform our region into USA or Europe. Magar agar ye ho jayega to unki industries collapse kar jayengi. Aap samajh rahe hain, ye aap baat kar rahe hain partition ki. Are bhai angrezon ke zamane ki. Are bhai angrez Britishers were very far sighted. दे न्यू. देखिए एक चीज अब सुनिए, रुक, जब तक ब्रिटिश रूल था एक ब्रिटिश वेरी हार्ड पॉलिसी थी कि इंडिया में एक हैवी इंडस्ट्रियल बेस नहीं डेवलप होने देना है. वी मस्ट नॉट परमिट स्टील मिल्स एक्सेट्रा. ओनली इंडस्ट्रीज वी दे परमिटेड टू इंडियंस वॉज लाइट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स और प्लांटेशन एक्सेट्रा. क्योंकि अगर इंडिया में एक हैवी इंडस्ट्रियल बेस डेवलप हो जाता तो फिर देन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वुड हैव कोलैप्स्ड. Because with our cheap, okay, everything turns on cheap labor. Once a country develops a massive industrial base, everything turns on the cost of labor. And the countries which have cheap labor have a distinct advantage over countries with expensive labor because we can sell goods at a much cheaper price. So even at that time, the British visualized, jab tak wo hukumat kiye, unhone permit nahi kiya heavy industry in India. After they left, thodi si heavy industries develop hui, steel mill wagera, magar not much. Abhi bhi pura khel hai ki further industrialization is region ka nahi hona chahiye kyunki otherwise with our cheap labor we will undersell the goods of western countries. Justice Markande, mujhe thoda sa isse is pe thoda sa disagree karne dijiye because ye angrezon ki mentality to zarur thi lekin Americans to transfer of technology karna chahte hain. Are sahab kya baat kar rahe hain aap, fizool ki baat kar rahe hain. Main aap samajhne ki koshish nahi kar rahe. Kya Americans chahte hain unke industries collapse kar jaye? Bekar ki baat kar rahe hain aap. Will they be, dekhiye ek China mein naak mein dam kar rakha hai Americans ka kyunki Chinese ke paas cheaper labor hai. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप इधर उधर की बातें मत करिए. देखिए अमेरिकन नहीं चाहेंगे कि उनकी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएं. विल दे द अमेरिकन इंडस्ट्रीज बी एबल टू फेस आवर कॉम्पिटिशन अगर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बन जाए बिकॉज वी हैव चीप लेबर. प्लीज ट्राई टू गेट दिस इंटू योर हेड. इट्स सो डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट इवन सिंपल आइडियाज इंटू योर हेड. बिल्कुल आपको आप लोग समझने के लिए कुछ सुनने के लिए तैयार ना समझने के लिए तैयार. मैं समझा रहा हूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में जो बड़ा कॉम्प्लेक्स आइडिया है. बट आई हैव दिस टेक्निक ऑफ एक्सप्लेनिंग वेरी कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. प्लीज अंडरस्टैंड आई एम रिपीटिंग अगेन, एवरीथिंग टर्न्स ऑन कॉस्ट ऑफ लेबर. वंस अ कंट्री डेवलप्स अ हाई ह्यूज इंडस्ट्रियल बेस. तो अगर हमारा इंडिया पाकिस्तान वगैरह एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बन जाए ऑफ विच वी हैव ऑल द पोटेंशियल because we have got thousands of very bright engineers, scientists. आप जानते हैं American universities में आप जाइए वहाँ पाइएगा कई Indian and Pakistani professors of engineering.
इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, सिलिकॉन वैली में वी आर मैनिंग सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया, आईटी इंजीनियर हमारे, तो लिहाजा हमारे पास टेक्निकल टैलेंट है. विद 20 ईयर वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंटू लाइक यूएसए और यूरोप, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर ये हो जाएगा तो उनकी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी, क्योंकि दे हैव ए वेरी एक्सपेंसिव. देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अमेरिकन लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव और हमारे लेबर इज वेरी चीप. तो वी कैन, इफ वी डेवलप एन इंडस्ट्रियल बेस, वी कैन सेल गुड्स एट 1/3 देयर प्राइस, तो उनकी गुड्स कौन खरीदेगा? जस्टिस मार्कंडे, हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल बेस अब बहुत बड़ा है. क्या आप 1950s और 40s की बात कर रहे हैं? 40% बेसिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान से मैन्युफैक्चर होता है, 40% चीन से, 40% हिंदुस्तान से होता है. आपका आईटी का बेस भी खासा बड़ा है और बहुत सी अमेरिकन कंपनीज हिंदुस्तान से अपना प्रोडक्शन बनाना चाहती हैं, खा वो एप्पल हो, खा वो टेस्ला हो, खा वो मर्सिडीज हो, खा वो बीएमडब्ल्यू. ये बात जो आप कर रहे हैं ये तो 1950s की बात आप कर रहे हैं, ये 2023 में नहीं फिट होता ये. अच्छा मैं अब आपको समझाता हूँ, आप थोड़ा सा और गहराई में जाइए हमारे साथ, आपको गहराई में जाना होगा, ये स्पेशल बातें नहीं होंगी. देखिए, वी कैन इजिली डेवलप अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज बिकॉज वी हैव गॉट ऑल द टेक्निकल स्किल्स, वेरी ब्राइट इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड ऑल, एंड वी हैव गॉट ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज. तो जो दो रिक्वायरमेंट बिकमिंग अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री वी हैव. थर्ड रिक्वायरमेंट है कि परचेसिंग पावर होनी चाहिए. देखिए, आप माल पैदा तो प्रोड्यूस कर देंगे फैक्ट्री, मगर बिकेगा कहाँ? बिकॉज पीपल आर सो पुअर, इतनी मैसिव पॉवर्टी है, पीपल डोंट हैव परचेज. आप देखिए, आप पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी, यानी फूड जो एसेंशियल आइटम है जिन्हें खरीदना मुश्किल हो गया, फूड ले सकते हैं तो इंडस्ट्रियल गुड्स कैसे खरीदेंगे? तो फर्स्ट यू हैव टू द परचेसिंग पावर ऑफ द मैसेज इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अप अ हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब देखिए, यहाँ रुकिए एक मिनट, मुझे समझाने दीजिए. देखिए क्या हुआ, सोवियत यूनियन में रेवोल्यूशन हुआ 19 में, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन रियली स्टार्टेड विद अडॉप्शन ऑफ द फर्स्ट फोर ईयर प्लान इन 1928. उसके बाद जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी रशियंस ने, उसी ब्रॉडली आई एम टेलिंग यू, कि एवरी टू ईयर्स और सो द गवर्नमेंट विच यूज टू फिक्स द प्राइसेस, सेंट्रली फिक्स प्राइसेस थी, गवर्नमेंट वुड रिड्यूस प्राइसेस एवरी टू ईयर्स और सो बाई अबाउट 5-10%. ये रेगुलरली करते गए, हर पाँच दो साल के बाद 5-10% प्राइसेस ऑफ फूड अदर कमोडिटीज बाय 5-10%. इससे क्या हुआ, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती गई स्टेडिली. विद द सेम वेज यू कैन नाउ बाय मोर गुड्स बिकॉज गुड्स आर बिकमिंग चीपर. ठीक है, द वेज इज रिलेटिव टू द प्राइस इंडेक्स, प्राइस इज कॉन्स्टेंटली. अच्छा, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, गवर्नमेंट इज टेकिंग इट. अच्छा, simultaneously there was rapid industrialization. थोड़ा सा इससे हम आगे निकलते हैं. पाकिस्तान में लोग बहुत इसको हैरानगी से देखते हैं कि आपने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, इमरान खान की पॉलिटिक्स में गुज़िश्ता चंद महीनों में बड़ा पॉजिटिव इंटरेस्ट लिया, जबकि बाकी हिंदुस्तान का मीडिया और कॉमेंटेटर्स इमरान खान के बारे में बड़े नेगेटिव हैं. क्या वजह है कि आप उसको बड़ा सिंपथेटिकली देखते हैं? देखिए, एक तो चीज समझिए, मेरा ना कोई रिश्ता है इमरान खान से, मैं कभी उससे मिला नहीं हूँ, मेरी कोई जात बिरादरी का नहीं है, कोई दूर दूर से कोई उसका वास्ता नहीं है. मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि मैं उसको ईमानदार आदमी मानता हूँ, तो मैं हर सपोर्ट करूँगा, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे अमेरिकन हो. I will support every honest person and I'll condemn every corrupt person. तो इमरान खान से मेरा कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रابطہ नहीं है, मगर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई फाउंड बेसिकली ही इज एन ऑनेस्ट मैन. भाई, किसके लिए वो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, उसकी कोई एसेट्स नहीं है. अरे, थोड़ा सा आपने तोशा खाना में इधर उधर, दैट्स ट्रिवियल जो लूट मचाई ने, ये तो बिल्कुल डकैत है. पी वाले, पीएमएल, तो
आई वोट ठीक है, उससे कुछ गलतियां हुई, आई क्रिटिसाइज, यू नो व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर आई क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर सम थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल ही टुक सपोर्ट ऑफ सम रिलीजियस एक्सट्रीम्स एंड ही गेव टिकट्स टू ड्यूबियस इलेक्टेबल्स एंड वो जो आतिफ मियां थे क्योंकि अहमदी थे उनको निकाल दिया पाकिस्तान इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इस सब की मैंने सख्त क्रिटिसिज्म किया इमरान खान उस वक्त। मगर देखिए टू सी द पॉइंट, टुडे इमरान खान इज लीडिंग द डेमोक्रेटिक फोर्सेज अगेंस्ट फैसिस्ट फोर्सेज इन पाकिस्तान, और हर ईमानदार आदमी हर एक आदमी को इमरान खान का सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ही लीडिंग द फोर्सेज ऑफ समझाइए अगेंस्ट द फोर्सेज। हिंदुस्तान के अक्सर जो कमेंटेटर्स हैं जो पहले एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते थे पाकिस्तान में, अब जब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अलग कर दिया तो हिंदुस्तान के अक्सर जो कमेंटेटर्स हैं मीडिया पे वो अभी भी इमरान खान के ज़्यादा खिलाफ हैं और एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि इमरान खान को हिंदुस्तान में अपना दुश्मन समझा जा रहा है? आप नहीं समझ रहे लेकिन और बहुत से कमेंटेटर्स जो हैं वो इमरान खान ही को अपने दुश्मन समझते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए इसकी इसकी वजह है इमरान खान साहब ने कुछ इंडिया के खिलाफ बयान दे दिए थे। अच्छा मेरी अप्रोच बिल्कुल फर्क, बिल्कुल अपनी, देखिए माफ करिएगा, मैं इंडिया और पाकिस्तान को एक ही मुल्क मानता हूँ, ये बंटवारे को मैं मानता नहीं हूँ, एंड वी आर बाउंड टू रियूनाइट, वी आर वन कंट्री, हमारा एक ही कल्चर, जुबान मैं बोल रहा हूँ जिसमें एक ही जुबान है, देखने जैसे लगते हैं, यह पार्टीशन वॉज अ बिग फ्रॉड बाई द ब्रिटिश एंड वी हैव टू अंडू इट, इट इट विल बी अंडर। तो मैं जो और कमेंटेटर्स की अप्रोच है और मेरी अप्रोच है बिल्कुल फ़र्क है, वो देखते हैं कि इमरान खान ने क्रिटिसाइज कर दिया था इंडिया को इसलिए वो दे अगेंस्ट, मैं मेरी अप्रोच है कि देखिए आप देखिए एट द प्रेजेंट मोमेंट क्या हो रहा है, देखिए एट प्रेजेंट इमरान खान इज लीडिंग द फोर्सेज ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ दिस फैसिस्ट रेन ऑफ टेरर अनलीस्ड बाय द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, तो लिहाजा मैं इसलिए उसको सपोर्ट कर रहा हूँ बेसिकली ईमानदार। आपने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को आप बांग्लादेश को एक ही मुल्क मानते हैं, ये फिर पार्टीशन अंडू हो जाएगी, तो वो तो जब फिर 1971 में बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो एक अलग मुल्क बन गया, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए एक चीज समझ लीजिए, हम एक मुगलों के जमाने से एक मुल्क हैं, हमारा कल्चर एक है, लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया नॉट एंटायर बट लार्ज पार्ट स्पीक हिंदुस्तानी, जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिसमें आपसे मैं बोल रहा हूँ ये ना उर्दू है ना ये हिंदी है, आप इसको उर्दू कहते हैं हम लोग हिंदी कहते हैं, ये ना उर्दू है ना हिंदी, ये हिंदुस्तानी है जो कॉमन मैन की लैंग्वेज है, तो लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पीक द सेम लैंग्वेज एंड कल्चर रिवॉल्व्स मेनली अराउंड लैंग्वेज, आप समझे ना, लैंग्वेज पे मबनी है कल्चर, तो हमारा कल्चर ब्रॉडली एक है, हम देखने में एक जैसे हैं, हम देखिए एक चीज समझ लीजिए, द पावर्स विच डिवाइडेड अस विल नॉट लेट अस इजीली रीयूनाइट, क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूँ जो पूरा खेल था कि दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट लाइक अनदर चाइना, एक चाइना से नाक में दम कर दिया है वेस्ट का, so they don't want another Frankenstein monster India will become for them, so lehaza pura khel tha ki inko divided rakho, isiliye India aur Bangladesh to Indian military intervention se bana, to wo to phir West Bengal aur East Bengal ikatthe ho sakte the agar aisa mumkin hota, are Western powers did not want it, please try to understand what I'm saying, pura khel hai कि इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान मस्ट नॉट बी अलाउड टू रीयूनाइट बिकॉज इफ दे डू देन विद दे ह्यूज टेक्निकल टैलेंट एंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज दे विल इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट एंड बिकम अ बिग राइवल टू अस एंड आवर इंडस्ट्रीज विल कोलैप्स बिकॉज वी हैव एक्सपेंसिव लेबर व्हेयरएज इंडियन बांग्लादेशी पाकिस्तान हैव चीप लेबर सो वी विल नॉट बी एबल टू फेस अ कॉम्पिटिशन, हमारी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, मिलियंस ऑफ आवर पीपल विल बी थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या वो ऐसा होने देंगे आसानी से? दे विल फाइट इट टूथ एंड नेल।
पूरा ऐसे तरीका है कि डिवाइड करके रखो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, कास्ट के बेसिस पे लड़वाओ, एथनिक बेसिस पे, पूरा खेल। अच्छा वो भी देखिए, दे डू इट थ्रू द पब्लिक। आप मेरा एक आर्टिकल पढ़िएगा इन अ वेबसाइट कॉल्ड indicanews.com, उसके सर्च कॉलम में आप टाइप करिए काजू पपेट्स, और उसने लिखा है कि देखिए जो आप कठपुतली का नाच अगर देखा होगा आपने, तो कभी देखा होगा बचपन में आपने, मैंने बहुत देखे, तो उसमें पपेट्स हैं वो, दे आर मूविंग अराउंड, यू विल थिंक दे आर मूविंग ऑफ देयर ओन वॉलिशन, बट एक्चुअली इट इज द पपेटियर हु इज हिडन बिहाइंड द स्क्रीन, इट इज द पपेटियर हु इज रियली कंट्रोलिंग द पपेट्स, पपेट्स आर नॉट मूविंग ऑफ देयर ओन वॉलिशन। तो ये सब जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ मोदी जी हैं, जो वो कम्युनल प्रोपेगेंडा का, ऑल्सो स्मॉल इज अ पपेट, द रियल पावर्स आर ये अमेरिका यूरोप ये हैं जो कि उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम ने इसे मानना बड़ा मुश्किल है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लोगों की चॉइस हैं, आपको पता कि मगरब की तमाम ताकतें उनके खिलाफ थीं, उनके ऊपर वीजा बैन वगैरह था, ये कैसे आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी पपेट हैं, वो तो हिंदुस्तान के पॉपुलर लीडर हैं। क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आज जो अमेरिका है ये है सब बनिया, ये सब देखते हैं प्रॉफिट, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि इंडिया में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है कि नहीं, माइनॉरिटीज पे ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, दे आर नॉट कंसर्न, दे आर ओनली कंसर्न विद मेकिंग मनी। आपको समझ में समझ कि इट इज सो सिंपल अंडरस्टैंड, ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं ये सब बनिया हैं, ये पैसा देखते हैं, इनको कोई कंसर्न नहीं है विद ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटीज एंड ह्यूमन राइट, सबसे कोई उनको मतलब नहीं, उनको यह है कि सबसे बड़ा रुपया न बीबी न मैया, जो गाना है हमारा बड़ा फेमस। लेकिन अभी तो अभी जब नरेंद्र मोदी यहाँ वॉशिंगटन आए तो अमेरिका की कांग्रेस ने उनकी बड़ी मुखालफत भी हुई, और अमेरिकन मीडिया में बहुत आर्टिकल छपे उनकी ह्यूमन राइट वायोलेशंस के खिलाफ माइनॉरिटी ट्रीटमेंट पे अभी चंद दिन पहले। देखिए ये हैंडफुल ऑफ पीपल ने किया हो, बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट्स नरेंद्र मोदी, बिकॉज फर्स्टली दे नीड हिम एज अ टूल अगेंस्ट चाइना। जो सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का वो है चाइना, तो चाइना के एक काउंटर बनाने में अलायंस विद इंडिया इज वेरी यूजफुल, इसलिए वो सब सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, नॉट दैट दे हैव डेवलप्ड सडन लव फॉर। देखिए पूरा खेल आप समझते हैं, इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड व्हाई दिस डज नॉट पेनिट्रेट योर हेड। इतनी सिंपल सी चीज है, अमेरिकन नीड एन एलाई टू फाइट अगेंस्ट मार्कंडे, जस्टिस मार्कंडे, आप कहते हैं कि पार्टीशन अंडू हो सकती है, आप जस्टिस रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, आपको याद करवाऊंगा कि जब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, उन्होंने एक लूज फेडरेशन और कन्फेडरल फॉर्मूला रखा जिसको मोहम्मद अली जिना और मुस्लिम लीग ने तस्लीम कर लिया, पंडित नेहरू ने उसे मानने से इनकार कर दिया। अगर उसको मान लेते, कांग्रेस भी मान लेती, तो फिर एक यूरोपियन यूनियन की तरह का कन्फेडरल फ्रेमवर्क बन जाता 1947 में। ये गलत बात है, ब्रिटिश वर डिटरमिन्ड टू पार्टीशन इंडिया, ये सब कहने की बातें हैं कि कैबिनेशन एक्सेप्ट हो जाता तो बच जाता पार्टीशन, कभी ना बचता। देखिए ये अंग्रेजों की टिपिकल टेक्निक, इसको सुनिए आप, अंग्रेज ने देखा क्योंकि जो कॉलोनियलिज्म का एरा खत्म हो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 40s एंड 50s, दैट डायरेक्ट कॉलोनियल रूल अब कैनॉट बी कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म इन दीस कॉलोनीज। अच्छा, जिस मुल्क को अंग्रेज छोड़ते थे उसके पहले उसका पार्टीशन करते थे, जैसे कि पैलेस्टाइन का किया कि इसराइल बना दिया और जूज और अरब लड़े हैं आपस में, या साइप्रस, एक नॉर्थ साइप्रस जिसमें हैं टर्क्स और साउथ, नहीं उसमें ग्रीक और साउथ साइप्रस में टर्क्स, रिलियस और आयरलैंड जो अपने इंग्लैंड के पास में आयरलैंड, उसको डिवाइड किया नॉर्थ आयरलैंड प्रोटेस्टेंट एंड द सदर्न पार्ट कैथोलिक। ये टिपिकल टेक्निक थी कि एक मुल्क छोड़ने के पहले उसको पार्टीशन कर दो और रिलीजियस बेसिस पे, ताकि ये लोग लड़ते रहें, कमजोर रहें और मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट न बनने पाए, पूरा खेल था ये। अच्छा, अब वे फॉरवर्ड क्या है,
आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बेहतर ताल्लुक आप और यूनियन की तरह की ट्रेड यूनियन। देखिए एक चीज आपको बता दें, जो लीडर्स इंडिया के भी हैं और जो लीडर्स पाकिस्तान के भी हैं, आई रिगार्ड देम नथिंग बट पपेट्स ऑफ द वेस्टर्न पावर्स। तो लिहाजा ये तो कभी हम लोग को रियूनाइट नहीं होंगे, क्योंकि ये अपना जो जो जिस एजेंट हैं उसका काम करेंगे, वो अपने अपने नेता के लिए थोड़ी कुछ करेंगे। तो लिहाजा पीपल्स स्ट्रगल टू अराइज, मैसिव पीपल्स स्ट्रगल, राइटेड रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेजेस, बट दिस इज गोइंग टू टेक टाइम। ये में नहीं होगा, ये इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। इसमें हु विल बी द लीडर्स, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। मॉडर्न माइंडेड सेकुलर पीपल, पेट्रियोटिक सेल्स, कितना वक्त लगेगा इसमें फॉर दिस स्ट्रगल टू सक्सीड, स्ट्रगल होगा, ये ओनली टाइम कैन टेल। बट दिस इज अच्छा एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और मैं ले लूं, दिस इज गोइंग टू टेक। आप सजेस्ट क्या करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है? मैंने आपको बताया वे फॉरवर्ड इज दैट पीपल्स हिस्टोरिकल स्ट्रगल, यूनाइटेड पीपल स्ट्रगल हैज टू बी वेज्ड, लेड बाय मॉडर्न माइंडेड लीडर्स, व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी प्रोटेक्टेड। 10-15 साल चलेगा स्ट्रगल, ये न समझिए 1-2 साल में हो जाएगा, क्योंकि बड़ी पावरफुल फोर्सेस हैं विच डोंट वांट इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, द इंडस्ट्री विल कोलैप्स। तो पूरा खेल उनका होगा कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट तभी बन पाएंगे अगर हम व्हेन वी वेज अ यूनाइटेड पीपल स्ट्रगल विच विल एक्सटेंड ओवर 10-15 ईयर्स अंडर मॉडर्न माइंडेड लीडर्स and create a political setup. ठीक है, political and social order which India rapidly internalizes and our people get decent lives. इसमें वक्त लगेगा। Justice Markande, बहुत शुक्रिया। Justice Markande, बहुत शुक्रिया मेरे लिए वक्त निकालने का, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much.